गाइस वेलकम टू कार्टून कैपिटल। और आज के इस वीडियो में मैं मैलवेयर की ओरिजिन बताऊंगा, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैलवेयर की फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन ओमनीवर्स में हुई और मैलवेयर को बेन ने कई बार डिस्ट्रॉय किया है, पर मैलवेयर कभी भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। और मैलवेयर ने तो बेन के सबसे फेवरेट एलियन फीडबैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मैलवेयर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विलन है। मैलवेयर की स्टोरी की शुरुआत होती है तब जब गैल्वन प्राइम के मून पर कोई लाइफ नहीं थी, तब एजमथ ने एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जिससे एक न्यू लाइफ बन सकती थी, और उसने हेलिक्स को इन्वेंट किया और हेलिक्स से एक लाइफ फॉर्म बना दिया। पर एजमथ को अंदाजा नहीं था कि ये प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, और एजमथ ने जिन स्पीशीज को क्रिएट किया था वो गैल्वनिक मेकामॉर्फ्स थे। उसने जिस मून पे गैल्वनिक मेकामॉर्फ्स को क्रिएट किया वो गैल्वन बी है। और ये प्रोजेक्ट तो बहुत सक्सेसफुल था, पर एक गैल्वनिक मेकामॉर्फ के बनते टाइम हेलिक्स में कुछ खराबी आ गई जिसकी वजह से एक इनकम्प्लीट और म्यूटेंट गैल्वनिक मेकामॉर्फ का क्रिएशन हुआ, और वो इनकम्प्लीट और म्यूटेंट गैल्वनिक मेकामॉर्फ मैलवेयर था। और मैलवेयर बाकी गैल्वनिक मेकामॉर्फ से बिल्कुल अलग था, और वो बाकी गैल्वनिक मेकामॉर्फ से ज़्यादा पावरफुल भी था। और एजमथ ने मैलवेयर से बोला कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। मैलवेयर के पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था, वो सोचता था कि एजमथ मुझे एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट समझता है। और बहुत टाइम बाद मैलवेयर गैल्वन प्राइम पे आया और एजमथ से अपने आप को ठीक करने की डिमांड की, पर एजमथ ने उसे मना कर दिया और बोला कि अभी सेकेंड हेलिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि एजमथ सेकेंडरी हेलिक्स बना रहा था जिससे मैलवेयर ठीक हो सके। एजमथ के मना करने के बाद मैलवेयर ने एजमथ के असिस्टेंट अल्बिडो को किडनैप कर लिया और सेकेंड हेलिक्स को भी चुरा लिया, और फिर अल्बिडो को बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया प्राइमरी हेलिक्स को सेकेंडरी हेलिक्स के साथ कनेक्ट करने के लिए जिससे वो ठीक हो सके। पर अल्बिडो हेलिक्स को तोड़ने फोड़ने लगा और इससे वो हेलिक्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, पर इससे हेलिक्स तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ पर मैलवेयर की बॉडी और भी ज़्यादा एनहेंस हो गई और वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया और वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल भी हो गया। और बाद में एक फाइट के दौरान वो डिस्ट्रॉय हो गया था, पर उसने अपने आप को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया और एक न्यू फॉर्म के साथ अपीयर हुआ, और उसने टेकेऑन कैनन को भी ऑब्जर्व कर लिया था। और फिर एक बार जब एजमथ बेन को समझाने आया था कि वो फीडबैक को कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहा है जिससे वो अपने दूसरे एलियंस को यूज़ करने की एबिलिटी खो देगा, तभी उस समय वहाँ पे मैलवेयर आ गया और बेन फीडबैक में ट्रांसफॉर्म हो गया। और फिर मैलवेयर ने फीडबैक को बेन की बॉडी से अलग कर दिया और फिर फीडबैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद बेन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि उसने अपना फेवरेट एलियन खोया था। उसने ओमनीट्रिक्स को ओवरलोड कर दिया और मैलवेयर के बॉडी के अंदर जाम कर दिया, और मैलवेयर उतनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो फिर एक बार डिस्ट्रॉय हो गया। और मैलवेयर लास्ट टाइम अपने रियल फॉर्म में अपीयर हुआ और उसने अपने आप को पूरे गैल्वन प्राइम पे फैला लिया, और उसने वेबिक से फाइट की
और बेन को अपने अंदर समा लिया। और उसके बाद बेन को उसका पास्ट याद आया कि कैसे मेलवेयर ने उसके फेवरेट एलियन फीडबैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसके बाद बेन फीडबैक में ट्रांसफॉर्म हो गया और दूसरे गैल्वेनिक मेकामॉर्फ्स की मदद से मेलवेयर को डिफीट कर दिया। और दूसरे गैल्वेनिक मेकामॉर्फ्स ने मेलवेयर को उसके थर्ड फॉर्म में ला दिया, जिसकी वजह से बेन उसे डिस्ट्रॉय कर पाया। और फिर मेलवेयर को गैल्वन हिस्टोरिकल म्यूजियम में रखा गया, पर उस समय भी मेलवेयर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। और फिर लास्ट टाइम मेलवेयर एक सूट के रूप में अपीयर हुआ और मेलवेयर को अल्बिडो ने गैल्वन हिस्टोरिकल म्यूजियम से चुरा लिया और एक सूट में कन्वर्ट करके विलगैक्स को दे दिया। और जब विलगैक्स डिफीट हो गया तब फिर भी मेलवेयर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। पूरे बेंटन सीरीज में मेलवेयर कई बार डिस्ट्रॉय हुआ है, पर वो कभी भी कम्प्लीटली और परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। और मेलवेयर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, और मेलवेयर ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अपने आप को कंप्लीट करना चाहता था। पर जब वो इनकम्प्लीट रह गया और वो ठीक नहीं हो पाया, और जब वो इस बात को समझ चुका था, तो वो ओमनीट्रिक्स, जो कि अजमत की सबसे बड़ी क्रिएशन है, वो उससे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता था और वो अजमत को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता था। पर वो इन सब में नाकामयाब रहा और उसने नेमेट्रिक्स को बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी, और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विलन था बेंटन ओमनीवर्स में। तो ये थी मेलवेयर की ओरिजिन। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलेंगे और वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।